के खास कार्यक्रम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आइए बात करते हैं उन बड़ी खबरों की जिसने आज सबकी नजर अपनी तरफ खींचा है, या फिर उन खबरों की जो आपको जानना जरूरी है। तो शुरू करते हैं बड़ी खबरें। तो बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की, जहां जयपुर में 500 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो गई। बर्ड्स एक्सपर्ट के मुताबिक इन पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू की वजह से हुई है और इस वायरस का लोगों में भी फैलने का खतरा है। आपको बता दें कि 2017 में भारत को बर्ड फ्लू मुक्त घोषित किया जा चुका था, लेकिन 3 साल बाद एक बार फिर बर्ड फ्लू ने देश में दस्तक दे दी है। इस घटना से लोगों में आतंक का माहौल है। एशियाई उच्च रोगजनक एविएशन इन्फ्लुएंजा यानी कि H5N1 वायरस मुख्य रूप से पक्षियों में होता है और उनके बीच अत्यधिक संक्रामक होता है। H5N1 मुर्गी पालन के लिए विशेष रूप से घातक है। इस वायरस का पता पहली बार 1996 में चीन के भूगर्भ में लगा था और मनुष्यों में पहली बार 1997 में हांगकांग में एक मुर्गी के प्रकोप के दौरान पाया गया था और तब से अफ्रीका, एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व में 50 से अधिक देशों में मुर्गी और जंगली पक्षियों के संक्रमित होने की खबर आई थी। वहीं 2017 में विदेशों के मुकाबले भारत को बर्ड फ्लू मुक्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब 3 साल बाद बर्ड फ्लू ने देश में दस्तक दे दी है। दरअसल इस बार प्रदेश के हड़ौती के झालावाड़ जिले से बर्ड फ्लू की शुरुआत हुई है। 25 दिसंबर को पहली बार झालावाड़ में कौओं के मरने की सूचना मिली थी, जिसके बाद 27 दिसंबर को मरने के कारणों को जांचने के लिए कौओं के शवों को भोपाल लैब में सैंपल भेजे गए, जहां पर जांच के बाद बर्ड फ्लू होने की पुष्टि की गई। इस घटना के बाद प्रदेश में लगातार कौओं के मरने की सूचना मिलने लगी। प्रदेश में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ने से पशुपालन और वन विभाग भी चिंता में है। एक तरफ देश भर में कोविड का खतरा तो दूसरी तरफ अब बर्ड फ्लू का डर भी सताने लगा है। बर्ड्स एक्सपर्ट की माने तो बर्ड फ्लू इंसानों में भी फैलने का डर रहता है। वैसे तो आमतौर पर मुर्गियों में इसका प्रकोप अधिक देखा गया है। बर्ड फ्लू तेजी से पक्षियों में फैल रहा है, इसकी वजह से काफी संख्या में कौओं की मौत हो गई है। झालावाड़ में प्रदूषित वातावरण भी संक्रमण की वजह माना जा रहा है। शवों से यह संक्रमण जल्दी फैलता है। जब एक कौवे की मौत हो जाती है तो काफी संख्या में अन्य कौवे एकत्रित हो जाते हैं, जिससे संक्रमण ज्यादा फैलने का खतरा रहता है। इसलिए कौओं में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बर्ड फ्लू से पक्षियों को बचाना बहुत जरूरी है। संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने से इंसान में भी संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। इसी तरह लगातार झालावाड़ में कौओं की मौत हो रही है। वहीं दूसरी ओर नागौर में मोरों की मौत को लेकर अभी बर्ड फ्लू प्रमाणित नहीं हुआ है। मोरों की मौत जहरीले दाने की वजह से हुई है। प्रदेश में हो रही पक्षियों की मौत एक चिंता का विषय है और पक्षियों की मौत के मामले में तथ्यात्मक रूप से जांच पड़ताल होनी चाहिए। झालावाड़ में फैले आतंक के बाद सभी जिलों में रेस्पॉन्स टीम बनाई गई है, जो आसपास के इलाके में सर्विलांस कर रही है। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए पशुपालन निदेशालय में विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा और सचिव आरुषि मलिक ने अधिकारियों के साथ बैठक की और बर्ड फ्लू रोकने के तमाम इंतजाम करते हुए वायरस को फैलने से रोकने के निर्देश भी दिए। इस दौरान प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा ने बताया कि अब तक झालावाड़ में 100, कोटा में 47, बारा में 72, पाली में 19, जोधपुर में 7 और जयपुर के जलमहल सहित प्रदेश भर में 555 कौओं की मौत हो चुकी है। हालांकि अभी तक बर्ड फ्लू की पुष्टि झालावाड़ में हुई है, लेकिन अन्य जिलों के कौओं और अन्य पक्षियों के सैंपल भी भोपाल भेजे जा रहे हैं। वायरस से लोगों को सतर्क रहने के लिए पंपलेट पोस्टर बनवाए जा रहे हैं और साथ ही सभी संभागों में अलर्ट किया जा रहा है। बहरहाल अभी खतरा ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन समय पर सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर समय पर सावधानी नहीं बरती गई तो ये महामारी का रूप ले सकता है, क्योंकि बर्ड फ्लू एक वायरल संक्रमण है जो पक्षियों से पक्षियों में बड़ी तेजी से फैलता है।
संक्रमित पक्षी के संपर्क में आने से इंसान में भी बर्ड फ्लू फैलने का खतरा रहता है। ये बीमारी संक्रमित मुर्गियों या अन्य पक्षियों के बेहद निकट रहने से ही फैलती है, यानी कि मुर्गी की अलग अलग प्रजातियों से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संपर्क में रहने से इंसानों में बर्ड फ्लू वायरस फैलता है, फिर चाहे मुर्गी जिंदा हो या मरी हुई हो। इंसानों में यह वायरस उनकी आंखों, मुंह और नाक के जरिए फैलता है। इसके अलावा इफेक्टिव वर्ड की सफाई या उन्हें नोचने से भी इन्फेक्शन फैलता है। जब वह इंसानों को प्रभावित करता है तो इसे इन्फ्लुएंजा कहा जाता है। इस दौरान लोगों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतियोगी छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक पहले चरण में मंडल स्तर पर, फिर दूसरे चरण में जिला स्तर पर कोचिंग की सुविधाएं शुरू की जाएंगी। आपको बता दें कि कोचिंग की शुरुआत आईएएस और आईपीएस से शुरू की जाएगी, यानी आईएएस की तैयारी और आईपीएस की तैयारी से शुरू की जाएगी, और फिर इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य प्रवेश परीक्षाओं के लिए भी निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। दरअसल यूपी सरकार एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है जिससे यूपीएससी की तैयारी कर रहे बच्चों को घर बैठे मुफ्त में ऑनलाइन क्लासेज मुहैया कराई जाएगी। विशेषज्ञों की निगरानी में इस सॉफ्टवेयर को तैयार कराया जा रहा है। सॉफ्टवेयर कैसा होगा इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही इस मामले में अधिक जानकारी देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश के नौजवानों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग के लिए सॉफ्टवेयर बनवाया जा रहा है। बहुत शीघ्र इसकी शुरुआत आईएएस आईपीएस कोचिंग के क्षेत्र में होने जा रही है। अब नौजवानों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अपने शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तो वहीं कई आईएएस आईपीएस सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सक्षम छात्र कोचिंग के लिए दूसरे शहर चले जाते हैं, लेकिन गरीबी के चलते फीस नहीं भर पाते। ऐसे में यह सॉफ्टवेयर घर बैठे कोचिंग लेने की दिशा में एक अहम कदम होगा। इसका मतलब हम साफ समझाते हैं, अर्थात जिन छात्रों के पास जब पैसे होते हैं, यानी कि जो रिच घरों के होते हैं छात्र, उनको बाहर जाकर कोचिंग लेने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जो गरीब छात्र हैं, जो बाहर जाके कोचिंग नहीं ले सकते, उनके लिए दिक्कत होती है। और यूपी सरकार ने यही व्यवस्था कर रखी है एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से कि उन्हें घर बैठे ही कोचिंग दिला दी जाए। तो एक तरह से यह कहा जा सकता है कि गरीबों के लिए यूपी सरकार, गरीब छात्रों के लिए यूपी सरकार का एक अहम कदम होगा। अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की ऐसी खबर जो रोजगार से जुड़ी हुई है और प्रधानमंत्री के उस बात की जो जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आदमी जो पकौड़े तलता है वो भी रोजगार है। तो ऐसा ही कुछ कर दिखाया है एक युवा ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में। इस कोरोना काल में हुए बेरोजगार अमित कुमार सिंह और नीतू सिंह ने अपनी जीविका चलाने के लिए अपने घर पर ही फूड जंक्शन के नाम से खुद की चाय और पकौड़ों की दुकान खोली। ध्यान दीजिएगा, चाय और पकौड़ों की दुकान खोली। पति पत्नी का कहना है कि उन्हें दुकान खोलने की प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली, जिन्होंने कहा था कि यह वक्त आपदा को अवसर में बदलने का है। इतना ही नहीं, ये पति पत्नी आज इतने सफल हैं कि अब वे दूसरे बेरोजगार लोगों को भी रोजगार देने लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि अमित स्वयं MBA हैं और उनकी पत्नी BBA, तो यह बहुत बड़ी बात है। आज इन खबरों से हमने ये देखा कि एक तरफ जहां रोजगार की बातें होती हैं, वहां एक युवक, एक पति पत्नी ने मिल करके यह नहीं देखा कि हमारी डिग्री क्या है, हमें रोजगार करना है, तो आपदा को अवसर में बदला। मेरा नाम नीतू सिंह है। सर, हम तो ये कहना चाहेंगे इसका प्रोत्साहन हमारी माँ से मिला है, मदर इन लॉ से मिला है, उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया
और मैं मतलब ये काम करते हैं उन्हें पूरा चाय और कॉफ़ी की जिम्मेदारी मैं पूरी उठाती हूँ बनाती हूँ। सर हमें ऐसा है कि हमें कुछ ऐसा करना है जो लोगों से अलग हो दोनों हमें हस्बैंड वाइफ को मिलके, और कुछ मुझे अपनी जैसे चाय कॉफ़ी की हुई या फिर जो भी हम बनाते हैं खाना हमें कुछ अलग टेस्ट देना है अलग क्वालिटी देनी है उस चीज़ की। हाँ सर इनका तो मतलब ये पूरा मैनेजमेंट भी देखते हैं मार्केट में भी देखते हैं प्लस हम अभी जिससे बात हुई है चंदी भैया से तो वो अपना समोसे वगैरह का देखते हैं और मैं राजमा बनाती हूँ छोले बनाती हूँ भटूरे बनाती हूँ चावल बनाती हूँ चाय बनाती हूँ कॉफ़ी बनाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सर क्योंकि मुझे मतलब माँ ने प्रोत्साहित किया फिर आसपास से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला सब लोग बोले कि आपकी चाय कॉफ़ी बहुत अच्छी है हमारी कॉफ़ी यहाँ तक कि 1 से 2 से 3 किलोमीटर दूर तक जाती हैं। सर बहुत अच्छा मिला है सर अभी 15 दिन से जैसे स्टार्टिंग हुई है उसके हिसाब से हमें बहुत अच्छा मिला है रिस्पॉन्स। सर मेरा बीबी है मैं बीबी हूँ बीबी है तो मैंने सर मतलब वहाँ से बनारस से हैं और मैं टेक्सटाइल डिजाइनिंग भी की हूँ ओ लेवल भी की हूँ मैं भी बैंक में पहले जॉब कर चुकी हूँ टीचिंग भी कर चुकी हूँ। जी सर हाँ सर हमें ये था कि मतलब नाम ऐसा हो जो सबके दिमाग में चढ़ जाए और अपना मतलब जो भी हमारी डिग्री हो जो भी उससे हो प्रोत्साहन मिले और लोगों को भी आगे चल के। हाँ 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 सर फ्रेंचाइजी खोलने का हमारा है अगर आगे हमारा काम अच्छा हो गया जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं आगे फ्यूचर के लिए। सर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान ये जो अभी चंदी भैया है हमारे यहाँ पहले भी 2-3 साल जब पहले हमारा जब ये ऊपर के जो फ्लोर बने थे तो उसमें ये आए थे काम के लिए उस टाइम भी इनके पास रोज़गार नहीं था तो हम लोग किए तो हमें ऐसा चाहिए था कि कोई ऐसा हो जो विश्वास पात्र हो या हम मार्केट में चले गए कभी भी अपने मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए तो हम अपना उनके ऊपर सब कुछ भरोसे छोड़ के जा सकें तो इस वजह से हमने उनको रखा है। यानी कि आप से लेकर जो आपका स्टाफ है वो वेल क्वालिफाइड है। हाँ भैया का काफ़ी अच्छा वो है। नाम पूछूंगा ना क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है। सोनू भाई आपका ये कॉम्प्लेक्स है और आपके कॉम्प्लेक्स के सामने ये जो एमबीए फ्यूचर है हाँ जी क्या क्वालिटी है इनकी क्या आप लोग इनमें सहयोग कर रहे हो? बेस्ट क्वालिटी है इनकी यहाँ पर और बिल्कुल हम सहयोग करते हैं इनका पूरा और हमारे पास सब इनका सब चीज़ आती है यहाँ क्वालिटी वाइज सब जगह जितना भी है इन्हीं का बेस्ट है। क्या बजट है आप इनसे इतना लगाव करते हो? लगाव कुछ देखिए इनका फैमिली की तरफ से भी बेचारे अकेले भी हैं यहाँ पे और वाइफ दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और कुछ पीछे सपोर्ट भी नहीं है ना बेचारों को। अच्छा जैसे आपको लग रहा है एक ये खुद एमबीए हैं जी हाँ बीबी है इनके साथ एक सहयोगी चंदी हैं वो ग्रेजुएट हैं जी हाँ क्या ये काम सही है इनके लिए? वक्त के हिसाब से तो जो हो जाए वो सही है। भाई वक्त को देखते हुए तो सही है बिल्कुल जो इन्होंने अब सोचा है जो करा है अपने लिए वो सही है ना कहीं देखो सहयोग नहीं होगा तो अपने से ही सहयोग है ना। खुद भी काम कर रहे हैं दूसरों को भी ना हाँ देखो अब तो ये खुद भी कर रहे हैं दूसरों को भी दे रहे हैं एक अच्छा मैसेज है इनका यहाँ से बहुत अच्छा सहयोग रहेगा इनका हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे इन्हें और हम लोग करते भी हैं सपोर्ट ऐसा। तो फिलहाल बड़ी खबरें में अभी तक के लिए इतना ही मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार।